कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, इन तमाम लोगों का बुद्धि मरा चुका है। इन लोग के पास अब बुद्धि नहीं रहा। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ के छात्रों का योग नहीं है, और पिछले दिनों पूरे देश में यूपीएससी में टॉप बिहार का छात्र नौजवान कर रहा है। नौवीं फेल वाले लोगों का चमचई करने के चक्कर में ये बिहार के छात्रों पर उंगली उठा रहे हैं कि इनका बुद्धि मरा गया है। तो उसी जो इनका बुद्धि मराया है, उसी बुद्धि को हम लोग सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे महादेव, इन लोग को सद्बुद्धि दे, बिहार के छात्र नौजवान के जीवन को बचाने का काम करे। जितने भी महिलाओं को, जितने भी छात्रों को पीटा जा रहा है, एक एक लाठी, एक एक आंसू का बदला लेगा पशुपति कुमार पारस चाचा का सिपाही लोग। तो लाठी जो भांज रहे हैं ना सत्ता के दम पे, और यहाँ पटना के डीएसपी कह रहे हैं कि अगली बार आंदोलन करोगे तो उससे डबल मार खाएंगे। तो ये हमारा आपके मीडिया के माध्यम से कि 10 दिन के अंदर में नहीं होगा तो हमारे शरीर में जितना हड्डी है उतना हड्डी तोड़ दीजिए, लेकिन हम लोग का आंदोलन बंद नहीं होगा। मिसाइल नीति खत्म होने के बाद बिहार में आक्रोश जारी है, लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा आक्रोश प्रतीत किया जा रहा है। वही अभ्यर्थी छात्र जो है लगातार सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों का लगातार आंदोलन जारी है। इसी बीच मिसाइल नीति को लागू करें, अन्यथा 10 दिन के बाद बिहार के तीनों जिला से लेकर सड़क से लेकर सदन तक मोर्चा खोल दिया गया है। तस्वीर देखिए किस तरीके से आकाश यादव ने साफ तौर पर कहा है सरकार से कि 10 दिन यह कर रहे हैं। क्यों यह हम लोग यह इसलिए कर रहे हैं कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, इन तमाम लोगों का बुद्धि मरा चुका है। इन लोग के पास अब बुद्धि नहीं रहा। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ के छात्रों का योग नहीं है, और पिछले दिनों पूरे देश में यूपीएससी में टॉप बिहार का छात्र नौजवान कर रहा है। ये जो छात्र पे उंगली उठा रहे हैं, ये खुद नौवीं फेल के नेतृत्व में राजनीति करते हैं। नौवीं फेल व्यक्ति ने इनको मंत्री बनाया है, और नौवीं फेल वाले लोगों का चमचई करने के चक्कर में ये बिहार के छात्रों पे उंगली उठा रहे हैं कि इनका बुद्धि मरा गया है। तो उसी जो इनका बुद्धि मराया है, उसी बुद्धि को हम लोग सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हे महादेव, इन लोग को सद्बुद्धि दे, बिहार के छात्र नौजवान के जीवन को बचाने का काम करे। और 10 दिन का हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं आज इस यज्ञ के माध्यम से कि 10 दिन के अंदर में अगर डोमिसाइल नीति को लागू नहीं करेंगे तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अभ्यर्थियों को पीटा जा रहा है, महिला अभ्यर्थियों को पीटा जा रहा है। जितने भी महिलाओं को, जितने भी छात्रों को पीटा जा रहा है, एक एक लाठी, एक एक आंसू का बदला लेगा पशुपति कुमार पारस चाचा का सिपाही लोग। और 10 दिन का इंतजार कीजिए, 10 दिन के बाद क्या होगा वो देखिएगा। सत्ता का जो गर्मी है ना, वो गर्मी ठंडा हो जाएगा। जो लाठी जो भांज रहे हैं ना सत्ता के दम पे, और यहाँ पटना के डीएसपी कह रहे हैं कि अगली बार आंदोलन करोगे तो इससे डबल मार खाएंगे। तो ये हमारा आपके मीडिया के माध्यम से कि 10 दिन के अंदर में नहीं होगा तो हमारे शरीर में जितना हड्डी है उतना हड्डी तोड़ दीजिए, लेकिन हम लोग का आंदोलन बंद नहीं होगा। जो सरकार कहती थी 10 लाख रोजगार देंगे, वो अभ्यर्थियों को सरकार नहीं, तेजस्वी यादव कहते थे कि मेरे पहले कलम से रोजगार। तो मिसाइल नीति लागू करेंगे, 5,000 रुपया पेपर लीक पीड़ित छात्रों को देंगे, अविलंब कार्रवाई करेंगे। आज डिप्टी सीएम बनने के बाद उनको जरा खोजिए तो कहाँ है। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है, 4 साल से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को लेकर। ये चीज मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि चाचा भतीजे के सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा, तभी छात्र नौजवानों का भविष्य का कल्याण होगा। अन्यथा लाठी, गाली, गलौज, मार पीट, केस, मुकदमा यही चाचा भतीजा मिलके बाकी के भतीजा बेटा पे कराएगा। देखिए तो आकाश यादव थे, आरएलजी थे, छात्र थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कुछ करते आपने सुना। आकाश यादव ने साफ कह दिया है कि 10 दिन का हम अल्टीमेटम देते हैं, अगर सरकार हम लोगों की बातों को नहीं सुनती, शिक्षक अभ्यर्थियों के बातों को नहीं सुनती है तो बड़ा आंदोलन होगा। वहीं चाचा भतीजे की सरकार को आरएलजी फेंक देगी। बता दें आपको लगातार छात्रों में आक्रोश है, इसलिए आरएलजी की तरफ से सर्वदलीय का आयोजन किया गया था। मेरी मौजूदगी अभी आरएलजी कार्यालय में लगातार यह किया जा रहा है। तो वहीं नीतीश कुमार के खिलाफ जो मोर्चा नीति को लेकर लगातार बिहार में विरोध जारी है, तो मिसाइल नीति लागू करने की बातें कही जा रही है। बहुत बहुत